गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड ये है मेरा थर्ड डे का लुक। दो सूट लेके आई थी, दोनों सूट पहन चुकी हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग शिव कोड़ी एंड देखते हैं रास्ते में जो जो भी व्यूज आते हैं, जो भी आता है, नौ माता नौ देवी माता का मंदिर आता है एंड जो भी आता है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी कहाँ कहाँ घूमेंगे हम एंड आपको पूरी प्रॉपर डिटेल्स डेफिनेटली इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जब हम जा रहे हैं शिवकोड़ी के लिए और इसमें हो रहा है व्लॉग अपलोड अभी जो आज चलेगा, पर पता नहीं आप कब देखेगा कब नहीं। और यहाँ पे अभी एसी सर्विस कर रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या हो गया और ये गाड़ी पूरी रेडी हो गई। इसमें दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या E2 वाला ऐसा कर रहा है, बाकी तो ठीक है। इसमें अपलोड हो रहा है, आ जाए Day 3 अपना वैष्णो देवी का। और हम अभी जा रहे हैं बस स्टैंड पे, ऑटो किया है फिलहाल, बस स्टैंड पर जाएंगे, देखेंगे वहाँ से क्या जाती है क्या नहीं, फिर उसके बाद हम सीधा जाएंगे शिवकोड़ी। और 12:30 हो रहे हैं यार, हमने सोचा था कि हम बहुत जल्दी जाएंगे, पर भाई सच्ची बताओ आँख नहीं खुली भाई, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो यार पैरों में, बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा है, पर क्या करें अब चलना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। क्यों हाँ इनकी तबीयत भी खराब है भाई, इनको एक तो बुखार हो रखा है इनको, ठीक है, और एक जुकाम खांसी जुकाम हो रखा है और इनकी पूरी बॉडी में दर्द है, तो मतलब ये तो पूरी बरीज है इस टाइम। और अब मैं तो थोड़ा बहुत ठीक हूँ, आपा तो भाई आपा तो कुल्लू ही है भाई तो अब बर्गर किंग पाया था खाना खाने, खा कु लिया, बार मैडम करेगी वोट वाले से, क्या करेगी तू बारगेनिंग, अरे वो रेड कॉपीराइट आ जाएगा भाई, क्यों कर रहे हैं कॉपीराइट आया है ये मेरी इस पे चैनल पे कॉपीराइट नहीं भाई। तो भाई खाना खुना खा लिया है, ये रहा बिल, ऐसा ऐसा बिल था, इसको टांगेंगे एयरपोर्ट खा लिया है, चलो चलो चीते। तो भाई अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, चार जगह पे जो लोकल है, ये नौ देवी मंदिर, बाबा डांसर, दो जगह हो रहा भाई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, पर यहाँ पे जो कटरा में है लोकल वो है। और कल भी हम कहीं और जा रहे हैं, वो हम आपको कल ही बताएंगे, हाँ कल हमारा लास्ट दिन है इधर, तो भाई परसों की हमारी ट्रेन है। और भाई अब अभी हम फिलहाल ऑटो में हैं क्योंकि बस नहीं जा रही, और जो वो फोर्स हाँ सुबह का है, और जो फोर्स है जो मतलब हाँ वो सिर्फ पटनी टॉप जाती है भाई। और पटनी टॉप में अभी बोल मैंने रिसर्च करी थी, पटनी टॉप जाना है तो जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है जहाँ पे जब स्नोफॉल होती है तब आने का ज्यादा मजा आता है। हाँ अभी तो वहाँ से एक नॉर्मल पार्क की तरह है, तो भाई अभी मैंने थोड़ी सुबह रिसर्च करी थी तो वहाँ पे इतना कुछ है नहीं, तो फिर मैंने जाना अवॉइड ही कर दिया कि जब अगली बार कभी माता रानी बुलाती हैं सर्दियों में तो भाई तब यहाँ पे बहुत अच्छा वो बनेगा, वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है तो मजा आएगा। तो अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो भाई हम आए हैं अभी महाराज, कहाँ हैं हम, बाबा धानसर, धानसर मंदिर, बाबा धानसर मंदिर भाई। इधर नीचे झरना है भाई, नंबर का व्यू आ रहा है इधर, हाँ व्यू व्यू एक नंबर भाई, देखो यार तुम बहुत पतली रोड है चलो चलते हैं आगे देखते हैं फिर। भाई लो जूते हमने तक दिए, अभी हम आए हैं बाबा, कौन सा बाबा धानसर मंदिर है, ये लो चीलू अंदर चीलू। लो भाई हम अंदर आ गए, एंट्री कर लिया, जूते बाहर निकाल दिए, और ये देखो तुम ये चेक करो भाई, ये लो ये लो ये लो, बंदर भाई इधर बहुत सारे, तो फोन मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा भाई सुरक्षित एकदम, तभी लेके चले जाए। सर आप बता सकते हो कुछ थोड़ा सा, ये सामने शंकर भगवान जी हैं बड़ी पिंडी, छोटी उनके आगे पार्वती माता जी हैं, ठीक है, इधर गणेश भगवान जी की पिंडी है और यहाँ पर कार्तिक जी हैं, ऊपर माँ गंगा जी हैं, शिव परिवार के दर्शन है यहाँ। जय हो जय जय हो भाई, लो भाई मत्था टेक लो तुम भी, जय हो। अभी हम आए नीचे की तरफ, ओ भाई चढ़ चढ़ाते हैं नीचे की तरफ, आगे भाई झरना है इधर की तरफ नीचे, और ये पता नहीं कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे नीचे बैठो आराम से बहुत ध्यान से, ठीक है। अल्लाह भाई
फुल वाटरफॉल चल रहा भाई इधर, लोग बाग नहा रहे हैं मस्त एकदम, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो भाई अब हम एंट्री कर रहे हैं नव दुर्गा मंदिर। यहाँ पे भाई अंदर वो है जो भाई गेट के अंदर मोबाइल कैमरा बंद रखें। भाई हमने कर लिए हैं नव दुर्गा माता जी के दर्शन। एक तो भाई यहाँ पे है अंदर गुफा है बहुत मस्त, इधर भी मतलब पूरा झुक के बिल्कुल बैंड हो गया, जैसे बच्चे अपने घुटनों पे रेंगते हैं ऐसे ही रेंगते हुए अंदर जाना पड़ता है और दर्शन करने पड़ते हैं। और भाई ये देखो झरना भाई, इधर अलग ही वो है भाई, मतलब इधर अगर धूप निकल रही होगी तो इधर बारिश होगी और इधर इतने गंदे बादल होंगे कि तुम सोच सकते, मतलब बहुत अलग सीन चल रहा है भाई इधर। भाई हम आ गए हैं चारों जो मंदिर हैं यहाँ के लोकल वाले ना, जो लोकल मंदिर है कटरा में चारों, हम वहाँ से घूम के आ चुके हैं और अभी इनके बाल गीले हुए हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो मैं बाहर का मौसम दिखाऊं, मैं ये देखो यहाँ से दिख जाता यार। तो भाई मैं चल रहा हूँ अपने रूम में, जा रहा हूँ मैं, ये अपने रूम में है, मैं चला अपने रूम में। टाटा बाय बाय। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मैं अपने जूते उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। अपने जूते उठाओ और निकल जाओ।